स्किन माइक्रो टियर हो जाते हैं, मतलब पोर्स ओपन हो जाते हैं, इरिटेशन होती है, फेस से ग्लो चला जाता है, एक्ने के चांसेस। पांच तरीके की स्किन टाइप होती है, ऑयली, ड्राई। आपने पैसा भी लगाया प्रोडक्ट के ऊपर और इफेक्ट भी क्या आया, नेगेटिव। 18 दिन के लिए अगर आपने MMFD छोड़ा तो आपकी स्किन बहुत बहुत बेटर हो जाएगी। शेव करना बेस्ट टाइम जो ये करने का होता है। Hey guys, this is Karan S. Dhingra. Welcome back to my channel. You guys also know me by the name of the formal edit. अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। आज का टॉपिक है वो 10 स्किन केयर मिस्टेक जो आप डेली बेसिस पे करते हुए आ रहे हैं और आपको थोड़ा सा भी हिंट नहीं है उसके बारे में कितना आपकी स्किन को कर रहा है खराब। और वो 10 चीज़ें वो नहीं होंगी बेसिक, जैसे कि पिंपल नहीं फोड़ना चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी है। वो ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है स्किन को कर रही है अच्छा और वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है, स्किन को कर रही है बहुत बहुत खराब। क्या है वो 10 चीजें, आइए बात करते हैं। सबसे पहला है रॉन्ग प्रोडक्ट, मतलब अपनी स्किन टाइप के बिल्कुल ऑपोजिट चले जाना। पांच तरीके की स्किन टाइप होती है, ऑयली, ड्राई, नॉर्मल, कॉम्बिनेशन एंड सेंसिटिव। उसके ऑपोजिट जाना, जैसे कि कोई भी आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, फेस वॉश, कुछ भी, अपनी स्किन टाइप के बिल्कुल ऑपोजिट जाने का मतलब क्या होता है, जैसे ड्राई है तो ऑयली, ऑयली है तो ड्राई यूज कर लेना। उससे होगा क्या, इन्वेस्टमेंट भी खर्ची, आपने पैसा भी लगाया प्रोडक्ट के ऊपर और इफेक्ट भी क्या आया, नेगेटिव। क्यों, पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं, ऑयली स्किन ज़्यादा ग्रीजी लगने लगती है, एक्ने बन जाता है। अगर आपको स्किन टाइप को आइडेंटिफाई नहीं करना आता, आपको नहीं पता आपकी स्किन टाइप क्या है, तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं इस पर पूरी वीडियो बनाऊंगा। और दोस्तों, कौन सी स्किन टाइप के हिसाब से बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो सारा मैंने इस वीडियो में दे रखा। गर्म पानी से नहाना या मुंह धोना, उससे क्या प्रॉब्लम्स है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अगर आप गर्म पानी से नहाते हैं तो एसेंशियल ऑयल जो है जो ग्लो के लिए चाहिए उसे खींच लेता है, जिसे सेबम कहते हैं। दूसरा क्या है, आपका एक्ने और ब्लैकहेड के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों, क्योंकि जब आप गर्म पानी से नहाते हैं तो आपके पोर्स रहते हैं ओपन ज़्यादा टाइम के लिए। और तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, आपकी स्किन इरिटेट या लाल खुजली होने लगती है जब आप गर्म पानी से नहाते हैं। अगर आपको स्किन को रखना है बहुत हेल्दी और क्लियर तो अवॉइड करिए गर्म पानी से। गलत तरीके से ट्रिमिंग या शेव करना, बेस्ट टाइम जो ये करने का होता है वो होता है रात को करके सो जाना। सुबह जब आप करके बाहर जाते हैं, आपके पोर्स होते हैं ओपन करने के बाद, आप बाहर जाते हैं तो उसमें डर्ट बैक्टीरिया लगता है, गंदे हाथ लगते हैं, एक्ने हो जाते हैं, यहाँ पे रेड रेड स्पॉट्स हो जाते हैं करने के बाद। और सबसे परफेक्ट क्या है प्रोसीजर करने का, जब भी आप रेजर यूज़ करें आपको सबसे पहले फेस वॉश करना है, फिर मॉइस्चराइजर या शेविंग क्रीम लगानी है, देन हमेशा तब ब्लेड लगाएं जिसे फ्रिक्शन नहीं होगा और आपके रूट स्मूथ हो जाएंगी। एंड आफ्टर ट्रिमिंग या शेविंग, दोनों प्रोसीजर के बाद आपको ठंडे पानी से स्प्लैश जरूर करना है, उससे आपके पोर्स बंद हो जाते हैं। सबसे बड़ी गलती क्या है, कोई भी टिश्यू पेपर, टॉवल या हैंकी को आपको रीयूज नहीं करना अगले दिन, मतलब क्या है बिना धोए आपको यूज नहीं करना, उसका जो आपने पसीना पोंछा है, डर्ट बैक्टीरिया उस पर लगा हुआ है, आपके पोर्स के अंदर जाएगा, स्किन खराब होगी, दाने बन सकते हैं, ब्लैक हेड बन सकते हैं। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, जब आप सोते हैं पिल्लो कवर आपको हफ्ते में एटलीस्ट 1 से 2 बार धुलवाने हैं। क्यों, क्योंकि आपका फेस उस पर 7 से 8 घंटे लगता है, आपकी स्किन सेल उसी टाइम होते हैं रिजुवेनेट जब आप सोते हैं, तो अवॉइड करिए ये मिस्टेक्स। सबसे बड़ी गलती, सनस्क्रीन को सिर्फ गर्मियों में लगाना या समर्स में लगाना, 365 डेज आपको लगानी है, चाहे बाहर बारिश आ रही हो, क्लाउडी वेदर हो, विंटर्स हो। ऐसा क्यों, क्योंकि जो बादल होते हैं वो ब्लॉक करते हैं आपकी धूप को, कभी भी ब्लॉक नहीं कर सकते यूवी रेडिएशंस को, और यूवी रेडिएशन से बचने के लिए सनस्क्रीन को लगाया जाता है, जिससे आपके डार्क स्पॉट्स ना बढ़े, जिससे आपको टैनिंग ना हो, जिससे आपको कैंसर के चांसेस ना बने, तो आपको सनस्क्रीन डेली लगानी है। ओवर यूजिंग या हार्श अप्रोच, ज़्यादा किसी प्रोडक्ट को लगाने लग जाना या बहुत ज़्यादा जोर लगाना, तेज़ किसी प्रोडक्ट को यूज़ करना, उससे क्या होता है स्किन माइक्रो टियर हो जाते हैं, मतलब पोर्स ओपन हो जाते हैं, इरिटेशन होती है, फेस से ग्लो चला जाता है, एक्ने के चांसेस बहुत आपके बढ़ जाते हैं। तो एक चीज़ को याद रखिए, कोई भी वेट वाइप हो, मॉइस्चराइजर हो, कोई भी आप टॉवल यूज़ करें, बहुत धीरे से टैप करना है, और जब भी कोई प्रोडक्ट लगाएं उसको हमेशा सर्कुलर मोशन में बहुत आराम से लगाएं। सबसे इंपॉर्टेंट, कम सोना या तोड़ तोड़ के सोना या सुबह सोना, रात को नहीं सोना, पूरा जागना, उससे क्या होता है आप कितने महंगे प्रोडक्ट्स लगा ले, फेस पास पैक्स कुछ भी लगाइए, मॉइस्चराइजर क्रीम कितना भी खर्चा करिए, स्किन केयर पे अच्छी डाइट रखिए, वर्कआउट करिए, लेकिन अगर आप प्रॉपरली 6 से 8 घंटे नहीं सोएंगे, क्योंकि आपकी स्किन होती है रिजुवेनेट, उस टाइम रिपेयर होती है जब आप सोते हैं, तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तभी मॉडल्स और एक्टर्स इसको कहते हैं ब्यूटी स्लीप। कोई भी ऐसे प्रोडक्ट जिसके अंदर ज़्यादा खुशबू हो आर्टिफिशियल या कलर हो, जैसे कि ब्राइट ब्लूज, येलोज, जैसे कि वैक्सीज होते हैं, क्रीम्स आती है कहीं, उनको अवॉइड करें, इससे आपके पोर स्किन ब्लॉक होगी, ऑयल बैलेंस बहुत फ्लक्चुएट करता है, दाने आ सकते हैं आपके स्किन के अंदर, इरिटेशन खुजली बढ़ जाती है। जिसके अंदर नेचुरल फ्रूट के या कोई भी फ्लावर्स की खुशबू हो या कलर्स डले हों, वो चीज़ें ले, वो आपके स्किन के लिए भी बेनिफिशियल है, जिससे कोई हार्म भी नहीं होगा। अगर आपको ये प्रोडक्ट्स चाहिए जो मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो में लिंक बताया था, उसके अंदर ये सारे प्रोडक्ट्स
ध्यान से रखें। डाइट इज द की फॉर एवरीथिंग, आपको मैं हर बार बताता हूँ। चार सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है जो आप डाइट के अंदर करते हैं, वो मीठा, मैदा, फ्राइड और डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि दूध, दही, चीज। स्किन को ये चारों चीजों मिला के बहुत ज्यादा खराब करती है। 18 दिन के लिए अगर आपने MMFD छोड़ा तो आपकी स्किन बहुत बहुत बेटर हो जाएगी। हाँ, आप बोलेंगे अब ये बहुत मुश्किल है चारों चीजें छोड़ना, इसके लिए ईजी रिप्लेसमेंट दे रखी है। जैसे कि अगर आप शुगर खाते हैं तो इसमें स्टीविया ऐड कर सकते हैं शुगर की जगह, या हनी या गुड़ यानी कि जागरी। अगर आप कोक ले सकते है तो उसकी जगह डाइट कोक हो गया। अगर आप बियर पीते हैं, मैं प्रमोट नहीं कर रहा आपको पीनी है, लेकिन अगर आपको कोई ओकेजन पे जाना है तो क्या हेल्दी रिप्लेसमेंट है स्किन के लिए, वो पूरी लिस्ट हर चीज के लिए मैंने यहां दे रखी है, जो सेम कॉस्ट की होगी और स्किन के लिए भी अच्छी है। तो जैसे कि नींबू होता है, विनेगर होता है, ये पूरी की पूरी लिस्ट आपको डायरेक्टली फेस पे अप्लाई नहीं करनी, बहुत स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट्स हैं, स्किन करते हैं डैमेज। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर आपको इसको फेस पे यूज़ करना भी है किसी इफेक्टिव होम रेमेडी के अंदर, तो उसके लिए कैसा प्रोसीजर है उसको यूज़ करने का। पहला, वो डायल्यूटेड होना चाहिए, मतलब जैसे पानी हो गया, रोज वाटर या कोई मुल्तानी मिट्टी, बेसन, कोई भी इंग्रेडिएंट साथ में बेस इंग्रेडिएंट होना चाहिए उसको मिक्स करने के लिए। दूसरा, ये 3-4% से ज़्यादा पूरे के पूरे फेस पैक में यूज़ नहीं होंगे, मतलब बहुत थोड़ी क्वांटिटी। और तीसरा सबसे पॉइंट क्या है, ये फ्रीक्वेंट बेसिस पे यूज नहीं हो सकते इंग्रेडिएंट्स। आपको जैसे कि हफ्ते में एक बार आपने यूज कर लिया, दैट्स अनफ आपके फेस के लिए। और दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो, ये स्किन केयर की मिस्टेक्स आपको फायदेमंद लगी हो, तो इसको शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना मत भूलना। अगर आप सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइब।